हाय दोस्तों, मैं आपके लिए आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं धूमेश्वर पर घूमने आया हूँ अपने दोस्तों के साथ। एक दोस्त मेरा ये है अभिषेक लारिया और एक ये है माधव पंती। हम अभी नौ चौकिया पर घूम रहे हैं और हम लोग आज मतलब मैं नीचे आया हूँ यहाँ पर अपने दोस्त के साथ। दोस्त बोलना चलो यार घूमने आते हैं तो यहाँ पर बहुत ही मस्त वातावरण है और बहुत मतलब वहाँ पे आना मुझे खुश हो रही है। इधर ये धार चल रही है, जब पहली बार बाढ़ आई थी तो यहाँ का सारा कंडीशन ख़राब हो गया है। इधर नौ चौकिया यहाँ पर फिर से चीज़ है। आज मैं बहुत दिनों में यहाँ पर घूमने आया हूँ, मिनिमम एक साल बाद। आप देख सकते हैं इधर का झरना कितना भयंकर है। आप यहाँ का नज़ारा बढ़िया सुंदरता के साथ देख सकते हैं, कितना प्राकृतिक आनंद ले रही है। त्रिपात बनना है, जल त्रिपात बूंद की तरह धार बह रही है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। कुंड बोलते हैं यहाँ पर, कुंड है बहुत गहरा कुंड, जो इसमें चला जाता है ना वापस नहीं आता। यहाँ पर बहुत गहरा कुंड है, लोग बताते हैं बहुत गहरा है यहाँ पर, हमने पूरा ही खोला है। इसमें एक भी पटिया ऊपर से डली है बिल्कुल ऐसा ही ऐसा बना है, ना ही ये छाया हुआ है, पूरा चूना का बना है। देख सकते हैं आप कितना नज़ारा है यहाँ पर, ये पूरा वीरान हुआ है, पट्टियों से निकल रहा है, खाली है बिल्कुल। इसमें आप ऊपर देख सकते हैं पट्टियों से नहीं छवा, ना ही इसमें कुछ वगैरह लगी है, पत्थरों से चूने से बना है। आज मैं बहुत दिनों बाद भुवनेश्वर घूमने आया हूँ। इधर धूमपमाया नाम सुना होगा, धूमपमाया में पुराने राजा महाराजा रहते थे, ये पहाड़ी के उस पालन माया है। काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है धूमेश्वर, हमारे दरबार का नज़दीक में स्थित है मंदिर, यहाँ पर लोग दूर दूर से घूमने आते हैं। इसका नाम इतिहास में भी है जो हमारे पितरवार को प्रसिद्ध बनाता है, इसका नाम से जुड़ा है। अभी हम आपको मंदिर की साइड ले चलेंगे। इधर प्रपात बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो देखने में मज़ा आ रहा है, लेकिन इधर जाति बहुत खतरनाक भी है, इसलिए इधर जाती नहीं है इस बार। अकेला तो मैं वैसे आता नहीं। अभी आपको मंदिर साइड ले जाएंगे, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है हमारे यहाँ का ये धूमेश्वर। मेरे दोस्त सेल्फी ले रहे हैं, बोल रहे हैं यहाँ पे सेल्फी लेने में भी ले लो, क्या दिक्कत है। ये है एक एक ये डिस्टेंस चल रहा है, कुछ काम से भितरवार आया था इसको काम था, इसलिए चलो टाइम मिला है तो घूमने जाते हैं। हम घूम के आ रहे हैं,
लेते हैं, वीडियो बनाएंगे, वीडियो सेल्फी की बात कर रहे हैं ना, लाइक वीडियो बनाओ लगा देंगे। अरे भाई मुझे, मैं वैसा ही गोरा हूँ, अभी क्या है कि बोला बस किस्मत मान लो, दूध में ना कर पैदा हुआ ना, चलिए गोरा है हम तो कल हुआ है। लोग यहाँ ना महाशिवरात्रि के दिन तो यहाँ पर इतनी भीड़ बनती है कि जल चढ़ाने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, सुबह से शाम हो जाती है, तब नंबर आता है। सबके साथ जाने का था लेकिन टाइम ज़्यादा होने के कारण नहीं गए, तो हमने सोचा है धूमेश्वर जाते हैं घूमने। धूमेश्वर आज भी नहीं थे बताना कल जाएंगे। धूमेश्वर आज कपड़ा ले आए नए, कपड़ा नहीं आते तो ले चलो कपड़ा नए, कल धूमेश्वर जाएंगे। वोट डालने के बाद जा सकते हैं, कन्फर्म पता नहीं चला। ऊँची ऊँची पहाड़ हैं, आया चलते हैं, आप मंदिर साइड चलते हैं, मंदिर की वीडियो बनाएंगे। फोटो बहुत चौक के ऊपर बहुत है, आज इस पर गए नहीं, वैसे मैं इस पर घूम कर आया हूँ, ऊपर ऊपर से पूरा नज़ारा दिख जाता है, लेकिन आज गया नहीं, खास नहीं इसीलिए। यहाँ पर मेले के दाम चौकी लगती है, मेरा एक मित्र या नहाने के लिए चला गया नदी में, वो अब सीख ला दिया। अरे दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा मुझे, दिल उड़ रहा भैंसे की तरह। आओ तेरे रहा तेरे तुम जा पत्र में बना रहा, नक नक मत बोलियो भाई। हम जा ना तेरे ना, तू कहे मंदिर घूमे हम तब तक। बन तो रही है, निबड़ना ही वीडियो। फोटो नहीं है तेरा, वीडियो नहीं है, कल्ला बल्ला कर ले। धूप बहुत पड़ रही है यहाँ पर, मन तो मेरा भी कर रहा नहाने का, मगर मैं नहा नहीं रहा हूँ, यहाँ पर मज़ा नहीं आएगा नहाने, पत्री पत्र लग गई और कहीं फिर जाना शौक चढ़ रहा था, इसीलिए नहा ले, मैं नहीं नहा, नहाने में लगा मस्त है नहाने में। अरे तो देख हवा बंदर तो देख, गांधी जी के तीन बंदर, पुराना देखना, पुराना सुनना और पुराना कहना। तो भाई छाया बैठ जाते हैं, इसको नाना नहाते रहे, टोर मिल गई है छाया मस्त, यही बैठे हम दो में, एक बंदा नहा रहा है हमारा। आज वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत टाइम लगा इसे अपलोड होने में। यहाँ पर लोग बहुत नहाने आ रहे हैं, देखो देखो नदी का नज़ारा काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर सोमवार के दिन काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, और महाशिवरात्रि पर तो इतनी भीड़ पड़ती है बहुत ज़्यादा। वैसे मैं कभी आया नहीं शिवरात्रि, एक बार आया हूँ बहुत पहले आया, लेकिन अब बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ती है इस वक्त। अभी मंदिर साइड जाएंगे फिर आपको दिखाएंगे मंदिर का नज़ारा, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है हमारे यहाँ। मैं आपको ब्लॉग सॉरी मंदिर के अंदर घुमाने ले जाता हूँ, देखते हैं जहाँ तक वीडियो बनेगी वहाँ तक बनाएंगे, उसके बाद मेरे तो बहुत पैर पड़ रहे हैं, इससे बोलो ये चप्पल दिला दे, यही चप्पल मेले में खुमाई। बल्ली से ऊपर पहुंच गया हूँ, बल्ली से नीचे नहीं। अब मैं आपको जीना चढ़ते हुए जाते हुए, आप ठंड का नज़ारा देखिए मंदिर का कितना ऊंचा है। अरे हाँ नज़ारा तो देख,
अरे मारता है, मारते रे, मारेंगे तो इतना छोटा है, सिस्टम चेंज हो गया है इधर का। इधर से आते थे उधर बड़ा घंटा लगा है, अब इधर से आने लगे। अब मंदिर के अंदर जा रहे हैं, इधर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, पता नहीं वीडियो बनेगी क्या नहीं बनेगी। मंदिर के अंदर आ गया हम, यहाँ पर लोगों की मान्यता बंधी हुई बहुत सारी, सब लोग यहाँ पर मान्यता बंधी हुई है, आप देख सकते हैं इधर, यहाँ पर सब लोग अपनी अपनी मान्यता मानते हैं। देख सकते हैं रातों रात बना हुआ मंदिर है, एक रात में बना हुआ मंदिर है बताते हैं पुराने लोग। बस ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकता मैं अंदर, क्योंकि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मैं इस दान पेटी में दान कर रहा हूँ, महाकाल सबसे बड़े काल ये है। अब हम मंदिर से बाहर जा रहे हैं, बाहर का नज़ारा है यहाँ पर, बढ़िया बेहतरीन सा।
वहाँ दर्शनों के लिए बढ़िया सा इंतजाम पूरा किया गया। जहाँ पर यहाँ पर भीड़ पड़ती है तो उसके लिए पूरी पाबंदी बनाई गई है कि जाना भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की ना हो उसके लिए, ताकि जहाँ पाइप लगी हुई है ये मेन गेट है यहाँ का ये वाला मेन गेट है। यहाँ से यात्री आते हैं ऊपर इधर से भी आते हैं, लेकिन आप इधर से नहीं आते, इधर से कर दिया गया। ये मेन गेट है यहाँ का, यहाँ पर बहुत थोड़ा घंटा लगा फैलाया, पहले यहाँ पर नहीं लगा हुआ था लेकिन अब लगा दिया गया। बहुत ऊँचा मैं तो इस पर बजाने के लिए पौड़ी नहीं पाऊँगा, अभी लगाया ये घंटा। कितना बड़ा घंटा है ये वाला, देखो कितना बड़ा, बहुत बड़ा। तो ब्लॉग कंप्लीट हो गया, इधर गौशाला बन रही है गौवंशों के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं ये तलग आ रहा है, इसके नीचे भी है और वहाँ पर भी है, ये गौशाला बन रही है गायों के लिए यहाँ पर, और इधर हवन वगैरह के लिए बना गया तो जमीन पे। आएगा दिन तो बीत गया इसका, आए मैं तो बहुत टाइम पास हो गया मेरा, परेशान था सुबह। अब पूरा घूम के आ गए हम, अब घर जा रहे हैं बस, बहुत घूम लिया। जो पेप्सी बची थी वो अपन ले गए, एक गिलास बची रखी अभी। हम गैल में आई हुए हैं, यहाँ पर जामुन का पेड़ मिल गया है, जामुन खा रहे हैं, बहुत ही मस्त मज़ा आ रहा है, बहुत मीठे मीठे जामुन है। बाज़ार में तो समझ लो कैसे मिलते हैं, एक दो दिन आके रखे, एक दोनों इस बार थोड़ा कम आता, लेकिन तो पेड़ ही टूट गया, ऊपर एक बंदा चढ़ाया, बहुत मज़ा आ रहा जामुन खाने में, कहते हैं जामुन। पेड़ से टूटे हुए फल खाने में नहीं, घर जाएंगे थोड़ी देर में, पहुँचने वाले 5 मिनट में, बाँस थोड़ी पास में ही जामुन, बहुत मीठे जामुन है इसके, रिवाज सीजन का पहली बार जामुन इसी से खा रहा हूँ, इस पर जामुन नहीं खाया। आप भी खाइए। लगा बीनने में जामुन, इसको बहुत पसंद है जामुन। दूसरे मॉडर्न से हम नोरे करें जी, अपने पर सिरे ले रहा होगा कि जाना भी जमनी चोरी मांगी।